नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके लिए इसे लास्ट तक देखते रहिए। हमारे कुछ दर्शक हमें बार बार नीचे कमेंट में पूछ रहे थे कि नाबार्ड से लोन कैसे लें और सब्सिडी कैसे पाए। इसे में ध्यान में रखते हुए आज हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। नाबार्ड कभी भी किसी को लोन नहीं देती है दोस्तों, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए। नहीं तो कुछ लोग नाबार्ड के ऑफिस में जाते हैं और खाली हाथ वापस आते हैं। शुरुआत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना जो भी बकरी पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन का फंड है वो नाबार्ड को भेज देती है, और नाबार्ड उसे पूरे इंडिया में डिस्ट्रिक्ट वाइज इस फंड को ट्रांसफ़र करती है। अगर आपको लोन लेना है तो आपको सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट या नज़दीकी एनिमल डिपार्टमेंट में जाना है दोस्तों, और वहाँ उनसे बकरी पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन स्कीम के बारे में जानकारी लेनी है। आमतौर पर ओपन कैटेगरी को 25% और कास्ट को 33% सब्सिडी मिलती है। तो आपको एनिमल डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और वो एप्लीकेशन फॉर्म लेकर नज़दीकी राष्ट्रीयकृत बैंक में जाना है। आप वहाँ गए तो आपको लोन फौरन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसके लिए बैंक में आपका करंट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है, और उस अकाउंट में 1 साल से या 6 महीने तक का ट्रांजैक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो लोन लेना है तो सबसे पहले बैंक में करंट अकाउंट निकालिए। जब बैंक आपको लोन दे देती है तो बैंक से कागजात लेकर फिर से आपको एनिमल डिपार्टमेंट में आना है। एनिमल डिपार्टमेंट आपका फॉर्म सब्सिडी के लिए नाबार्ड को भेज देती है और आपको सब्सिडी मिल जाती है। तो अगर लोन लेना है तो इतना ध्यान में रखिए कि आपका काम एनिमल डिपार्टमेंट में ही है, ना कि नाबार्ड के ऑफिस में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे और एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।